क्या हो रहा है ये? मेरी एकाग्रता क्यों भंग हो रही है? ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मेरी एकाग्रता क्यों भंग हो रही है? हे विधाता, वर्षों बीत गए आपकी पूजा आराधना करते करते, परंतु अब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिली है। पूजा जप तप में मेरा मन लग ही नहीं रहा है। क्यों? मैं विशर्वा पुत्र रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर और चारों वेदों का ज्ञान पाकर फिर भी आपके आपके दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। इसका क्या कारण है विधाता? क्या कारण है इसका? क्यों मेरा मान बार बार विषय वासनाओं की ओर भागता है? क्यों? क्या मुझे कभी आपके दर्शन नहीं होंगे? क्या मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलेगी? क्या मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है? उत्तर दो विधाता, मुझे उत्तर दो विधाता। मेरे पास है पुत्र। कौन? माता श्री कैकसी। प्रणाम माते। आयुष्मान भव, कीर्तिवान भव। आज बड़े विचलित दिखाई दे रहे हो पुत्र, क्या बात है? हाँ माते, जाने क्यों आज मेरा मन कुछ अधिक अशांत है। यज्ञादि में मन लग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मैं चाहकर भी पूजा में मन नहीं लगा पा रहा हूं माते, इसका क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण तुम स्वयं ही हो रावण। मैं स्वयं माते? हाँ पुत्र, तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म अवश्य लिया है। तुम्हारे पिता महर्षि विश्वा श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, परंतु तुम्हारी माता कैकसी अर्थात मैं एक असुर कन्या है, दैत्यराज सुमाली की पुत्री। मेरे इस आसुरी रक्त से निर्मित तुम्हारा ये शरीर तामसी है। ये पूजा हवन वे ईश्वर आराधना के लिए नहीं बना है। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ है रावण। विशेष उद्देश्य? वो क्या है माते? बैठो पुत्र, आओ। बताओ ना माते। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताती हूँ। हाँ। देवासुर संग्राम में पराजित होकर मेरे पिता दैत्यराज सुमाली पाताल लोक में जाकर छिप गए थे। असुर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। असुर बलशाली होने के पश्चात भी देवताओं के तकनीकी ज्ञान एवं युद्ध कौशल के समक्ष हमेशा पराजित हो जाते थे। देवताओं का सारा ज्ञान आर्य ऋषियों के पास वेदों के रूप में सुरक्षित था,
जिसकी शिक्षा वो केवल और केवल अपनी संतति को ही देते थे, क्योंकि देवताओं के प्रति निष्ठावान थी, किसी अन्य को नहीं। असुर साम्राज्य की पुनर्स्थापना के लिए एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता थी जिसके पास असुरों का बल भी हो और वेदों का ज्ञान भी। तब पिता के कहने पर मैंने महर्षि विश्रवा से विवाह किया और फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे पास हम असुरों का बल भी है और पिता से प्राप्त देवों वेदों का ज्ञान भी। समय आ गया है पुत्र, अपने लक्ष्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म हवन यज्ञ आदि के लिए नहीं हुआ है, तुम्हें असुर साम्राज्य की पुनर्स्थापना करनी है। पुत्र, पुनर्स्थापना। तुम्हें इन देवताओं को प्रार्थना से नहीं, अपनी शक्ति से जीतना है। उठो पुत्र, पुरुषार्थ करो और हम असुरों को हमारा खोया हुआ प्राचीन वैभव और गौरव फिर से लौटाओ। अद्भुत रहस्य है ये माते, अद्भुत रहस्य। आपके इस रहस्य उद्घाटन से मुझे मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और जीवन का उद्देश्य भी। मैं आपको वचन देता हूं माते, मैं आपका हर स्वप्न साकार करूंगा, हर स्वप्न। मैं अपनी शक्ति से, अपने बल से इन देवताओं का सारा अभिमान मिट्टी में मिला दूंगा। मैं देवराज इंद्र की छाती पे पैर रखकर फिर से असुर साम्राज्य की स्थापना करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं माते, वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं। अहम् ब्रह्मास्मि। इसके लिए मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने होंगे।